बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है थ्री थिंग्स को, विच आर लास्ट डे एट स्कूल हमारा ऐसे है और चैप्टर नंबर 7 उसका हमें फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करना है। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 8 है, वालदेन की इज्जत करना हमारा एक लकी फर्ज है, इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैराग्राफ को जो कि हमारे पास है, वालदेन की इज्जत करना हमारा अखलाकी फर्ज है। टू ओबे या टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर मॉरल ड्यूटी। उसके बाद है, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, दे टेक ग्रेट केयर ऑफ अस। उसके बाद है, वो हमें खुराक देते हैं, दे गिव अस फूड। वो हमें लिबास देते हैं, दे गिव अस क्लॉथ्स। वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, दे प्रोवाइड, मुहैया करना प्रोवाइड, दे प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज दोज थिंग्स, दे प्रोवाइड अस ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच वी नीड, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। वो हमें स्कूल भेजते हैं, दे सेंड अस टू स्कूल, दे सेंड अस टू स्कूल, वो स्कूल भेजते हैं हमें, दे सेंड अस टू स्कूल। उसके बाद है, ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें, सो दैट वी मे सर्व देम आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। उसके बाद है, इससे हमें राहत मिलेगी, इट विल ब्रिंग कम्फर्ट टू अस। जी, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे जी, हमारा जो फर्स्ट ऐसे है वो है माय लास्ट डे एट स्कूल। इट वाज 20 फरवरी था, तदिन था, वी हैड कंप्लीटेड 10 इयर्स ऑफ स्कूलिंग। हमने अपने स्कूल लाइफ के 10 साल मुकम्मल कर लिए थे। ड्यूरिंग द पीरियड वी मेड सिंसियर फ्रेंड्स। इस 10 साल के अरसे में हमने अच्छे मुखलस दोस्त बनाए एंड डिवेलप एसोसिएशन विद मैनी पीपल, और लोगों से हमारे अच्छे ताल्लुक भी बने। पर द डे ऑफ सेपरेशन फ्रॉम दोज फ्रेंड्स एंड द स्कूल स्पीच एट लास्ट। लेकिन स्कूल से और उन दोस्तों से जो जुदाई का दिन था वो आप हो जाता। द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास हैड अरेंज्ड अ फेयरवेल पार्टी इन आवर ऑनर। हमारे एहसास में 9th क्लास ने हमें पार्टी दी, फेयरवेल पार्टी दी, एज वी हैड डन अ ईयर बिफोर, जैसे कि हमने भी एक साल पहले अपने सीनियर्स को दी थी। आई वॉज बोथ हैप्पी एंड सैड ऑन दैट डे। मैं उस दिन बहुत खुश भी था और दुखी भी था, गमगीन भी था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, क्यों? बिकॉज देर वॉज नो लेक्चर लिसनिंग दैट डे। उस दिन कोई भी लेक्चर सुनने के लिए नहीं था। देर वॉज नो फियर ऑफ रिसाइटिंग द लेसन्स। हमें उस दिन कोई खौफ नहीं था कि हमने सबक सुनाना है। लर्निंग ग्रामर, ग्रामर सीखनी है, एंड द डिफिकल्ट साइंस सब्जेक्ट्स, या हमने मुश्किल साइंस सब्जेक्ट्स को, मजामी को पढ़ना है। आई वॉज सैड, मैं दुखी था, बिकॉज दैट द बोर्ड ऑफ लॉ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन, जो इतना लंबा अरसा जो है हम जो ताल्लुक रहा है हमारा, वॉज गोइंग टू ब्रेक, वो अब टूटने जा रहा था स्कूल से। वी वर टू लूज आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब हमें उस दिन क्या था, हमें अपने दोस्तों से और हमें साथ से दूर जाना था। आई थॉट ऑल ऑफ अस अलोंग विद द 9th क्लास सैट इन द बिग हॉल। हम सब जो है एक बड़े कमरे में, बड़े हॉल कमरे में 9th क्लास सब बैठे। टीचर्स एंड हेडमास्टर्स आल्सो जॉइंड अस। हमारे असातिज़ा कराम और हमारे हेडमास्टर साहब भी आ गए थे ऑन दैट डे। उस दिन दे वर वेरी काइंड एंड लविंग। वो हमारे साथ बड़े काइंड, हमदर्द थे, मेहरबान थे और नबी और मोहब्बत करने वाले थे। मिसेस हमजा रिसाइटेड द होली वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान। मिसेस हमजा ने क्या किया, कुरान पाक की तलावत की। अ स्टूडेंट फ्रॉम 9th क्लास डिलीवर्ड अ फेयरवेल स्पीच, और एक 9th क्लास के स्टूडेंट ने क्या किया था, हम पे अलग तकरीब के पे जो है तकरीब की। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इसका फर्स्ट हाफ, कल हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड हाफ। आप लोगों ने घर से इसको लर्न भी करना है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। कल इसका जो पैसेज है फर्स्ट
फर्स्ट पैसेज चैप्टर नंबर 7 का, उसकी देखते हैं ट्रांसलेशन। जी हमारा चैप्टर नंबर 7 है, उसका नेम है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर, आहिस्ता आहिस्ता हर एक इंसान जो है तरक्की कर सकता है। जी फर्स्ट पैसेज है, गुज़श्ता 2 साल मेरे लिए एक मुश्किल सफर रहा है, लॉन्ग एंड बम्पी राइड, हचकोलेदार, लॉन्ग एंड बम्पी लंबा और हचकोलेदार से मतलब ये एक मुश्किल, जिस तरह वो मेरी उम्र के हर शख्स के लिए होता है, ये जो अरसा होता है जिंदगी का हर एक उस हर शायर कहता है, यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मेरी उम्र के हर एक शख्स को फेस करना पड़ता है, तजुर्बा मुख्तलिफ हो सकते हैं, द एक्सपीरियंस माइट बी डिफरेंट, मुख्तलिफ हो सकते हैं, बट एवरीवन हैज गॉन थ्रू मेनी ऑफ द सेम टीनेज, हर एक को इस नाबालिग उम्र की उम्र से गुजरना पड़ता है और इसको बहुत से हालात से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे, और हर एक को अपने अपने तरीके से इनको फेस करना पड़ता है। इसके बाद है एज अ पर्सनल पार्टिसिपेशन इन दिस गेम, अगर इस खेल में मैं ज़्यादा खुद शरीक हूँ, इस खेल का नाम क्या है, जिंदगी, इस जिंदगी जो एक खेल का नाम है, मैं ज़्यादा खुद इसमें शरीक हूँ, ये राइटर का कहना है, मैं यही कहूँगा कि मैं आला मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत की, आई वर्क हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्न्ड इट, मैंने हासिल की, मेहनत की और मैंने आला मुकाम हासिल किया, ये बात चीज़ों के बारे में मेरा ये सिर्फ तख्लीकी जरिया है, दैट इज जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स, मेरा इन चीज़ों के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में, मुशाहदत के बारे में अपना एक नज़रिया है, इट इज़ बैड, ये बुरी बात है, लेकिन बट द फैक्ट इज दैट नॉट एवरीवन सीन इट इन द सेम वे एज इट, कि हर एक इंसान को मुश्किल हालात को फेस करना पड़ते हैं, लेकिन हर एक इंसान अपने अपने तरीके से इनको फेस करता है। ठीक है, तो आज इस पैसेज में हमने ये डिस्कस किया, कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पैसेज को और कंडीशनल सेंटेंसेस को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।